अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरीना सैयद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शेनोगई फिल्म की मेन जो करेक्टर है वो इनका ही है और काफ़ी मूवी इनकी फर्स्ट डे मूवी ने बहुत बिजनेस किया है तो बहुत ज़्यादा खुश हैं डेफिनेटली क्योंकि इनकी मूवी बहुत हिट रही है और हमने सेट पे भी देखा था इनकी जो मेहनतें हैं। तो मरीना से हम पूछते हैं कि इतनी हिट मूवी कैसे दे दी। अस्सलाम वालेकुम मरीना। अच्छा मरीना बताइएगा शेनोगई जो मूवी है कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी मूवीज ली है, मेरा फर्स्ट मूवी है और मेरी इंडस्ट्री में ही बिल्कुल न्यू हुई हो रहा हूँ, इंटर हुई हूँ अभी भी और अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे क्योंकि बिना ऑडियंस हम ये हमेशा सोचते हैं कि ये करना बड़ा इजी है, अच्छा ऐसा करना बहुत आसान है, ये तो इसने कर लिया हम भी कर सकते हैं, हम बाहर से सोचते हैं कि ऐसे कर लेते ये कितना आसान है। बिल्कुल, जैसे कि जब मुझे ये मूवी मिली थी तो मुझे वैसा लगता था कि नहीं मैं बहुत इजीली कर लूंगी और डायरेक्टर को चैलेंज भी किया था और यही वजह है कि डायरेक्टर ने मुझे कास्ट की थी, उनको भी बड़ा चैलेंज अच्छा लगा लेकिन वो चैलेंज मुझे बहुत भारी पड़ा, बहुत मुश्किल है एक्टिंग, लिटरली मुश्किल है तो चीज़ों को सीखना और अगर एक बंदे के आपको लाइफ बताना है, जैसे मुझे कहा था कि आपको शेनोगई मूवी करनी है और आपको शेनोगई बनना है, शेनोगई के साथ जो हो रहा है वो आपको फील करना है, ऐसे ही सही है, तो वो चीज़ सीखने में मुझे बड़ा टाइम लगा लेकिन बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। अच्छा इस जो मूवी का जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपको क्या लगा कि ये मूवी वाकई होनी चाहिए और ऐसा हम ये मूवी बनाएंगे तो लोगों पे असर हो गए, कुछ हमें दिखाना चाहिए, आप अपनी फीलिंग्स बताएं कैसा आपने? जब से पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये मूवी होनी चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल जो हमारे माशरे में हो रहा है, मैं बाहर जो हूँ, मुझे 10 साल से मैं बाहर हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, ऑफिस भी जा रही हूँ और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाई है मैंने, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो कि एक मूवी में वो सब कुछ बता दिया था, तो मुझे मूवी बहुत ही ज़बरदस्त लगा स्टोरी पढ़कर, लेकिन एक दिल में एक डर भी था कि मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है, जो ये चैलेंज को मैंने साइड पे ही रख दिया, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मुझे वो लोग ले भी रहे इस फिल्म में, कास्ट भी कर रहे हैं, तो उनका एक एक्सपेक्टेशन मेरे सर पे है कि अगर वो मुझसे ये कर रहा है कि महीना को ये मूवी स्टेप इतनी अच्छी है तो उतना महीना को भी कुछ करना है तो ऐसा ना हो कि मैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन उसको जीरो में मल्टीप्लाई करूँ, तो ये मेरे सर में था कि बस एनी आओ मुझे करनी है, तो दिन रात सुबह से रात तक ऑफिस में मैं काम करते करते भी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ और मैं हर किसी को खड़ा कर रही हूँ कि यार सुन लो जरा फील आ रहा है क्योंकि सही हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं ना तो हमें आइडिया नहीं होता कि मतलब मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, क्या वो फील के साथ बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, कभी कभार जब मैं बोलती थी मुझे फील नहीं आता था, मेरे सामने मेरी कोलीग बैठी थी तो उसके आंखों से ना आंसू निकला, मैंने कहा है आ गई तो फील आ रहा है, सही सही उससे पता चल गया था लेकिन नहीं, फिर भी जब तक डायरेक्टर मुझे कहते थे, मेरे जितने भी को-एक्टर थे बाकी सब ने मुझे बड़ा चीज़ें मुझे बड़े हेल्प किए, तो उसमें जो था ना कि वो लोग कहते थे महीना तुम्हारे अंदर फील आना चाहिए, सही है डायलॉग तो अच्छा है लेकिन अगर तुम्हें फील नहीं आएगा ना तो किसी को फील नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो मैं यही सोचती थी यार ये फील कैसे लाते हैं, ये फील कैसे करना था, एक्टर का काम है हर किरदार को वो रियल करे फिर ही मजा आता है। बिल्कुल, लेकिन वाकई मैं सारे एक्टर्स को यहाँ पर सलाम करती हूँ दोनों हाथों से क्योंकि एक्टिंग बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है, तो और मेरे सर पे ये था कि ये हमारे 5 दिन में ये प्रोजेक्ट करना है और मेरी जितनी भी वीलॉग थी ये सब 1 टेक क्योंकि मुझे एज अ वीलॉगर करनी है और कैमरा मेरे सामने रखा हुआ है और मुझे एक ही टेक में बोलना है, मेरे 2.5 पेज का मोनोलॉग है और मुझे एक टेक में बोलना है, मैं सोचती थी कि यार मैं इतने कभी आधे पेज का समरी भी याद नहीं किया है, कोई ऐसे भी याद करके मैं स्कूल कॉलेज स्कूल नहीं गई, जब भी टीचर बोलते थे मैं जाकर पनिशमेंट खड़ी थी मुझे याद ही नहीं है क्योंकि वो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जीरो था, मुझे नहीं था कि मैं जाके 5-10 बच्चों के सामने कैसे पढ़ूँ, नहीं कर सकती थी, और यहाँ पर जैसे मैं आई डायरेक्टर ने मुझे जैसे यहाँ से एंटर हुई डायरेक्टर ने मुझे कहा अपना 36 पेज का मोनोलॉग बोलो, आई वॉज लाइक 36 पेज नंबर था और 2.5 पेज का मोनोलॉग था जिससे हमारी मेरी भी ट्रेलर स्टार्ट हो रही है और मूवी के एंडिंग जिसमें हो रही है वो 2.5 पेज का था,
तो उसमें मैंने कहा अच्छा, लेकिन फिर मैंने दिल में सोचा, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे सामने डायरेक्टर भी थे और मेरे को एक्टर्स भी थे और भी स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, अच्छा खासे लोग पूरे राउंड लगा के बैठ गए और मैं सामने थी। तो मुझे कहा सपोज कर लो यहाँ कैमरा रखा हुआ और तुम बोलना है, मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये सोचा कभी ना डू इट, या मैं गलती करूँगी तो ये लोग बोलेंगे मुझे, जो समझाएंगे कि भाई ना ये आप गलती कर रही हो, आपको ये सही करना है, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें ये चाहिए, कर लो अल्लाह का नाम लेके। मैंने आके बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ा और मैंने शुरू की। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट हुआ। हाँ, क्योंकि मुझे ये सोचा था कि यहाँ अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो कल मैं अगर सेट पे जाती हूँ वहां पर तो बहुत सारे लोग होंगे, वहां तो लोग चलते हुए भी जा रहे होंगे, तो मैं अगर यहाँ नहीं कर पाऊंगी तो वहां बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब वो किया तो मुझे एक तसल्ली हुई कि नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह, जब सब मेरे साथ है तो हो जाएगा। अच्छा मरीना, नेक्स्ट आपका क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट पे आप नेक्स्ट काम कर रही हैं या कुछ आजकल जो चल रहा है? मुझे ज्यादातर रियल लाइफ में भी मुझे वुमेन एम्पावरमेंट काम करना बड़ा अच्छा लगता है, और मेरा टॉपिक जो ये अभी जो मुझे फिल्म मिली थी ये सबसे ज्यादा ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट में ही था। अच्छा। सही कि लड़कियों को अपनी हिफाजत कैसे करनी चाहिए और कैसे एम्पावर होना है, कैसे मतलब बहुत सारी चीजें इसमें है। तो मेरा मकसद ये है कि अगर मुझे आगे भी कोई, ये इसमें एक्शन भी ज्यादा था, एक्शन मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा एक्शन मूवीज अच्छी लगती है, तो एक्शन हो कॉमेडी हो जो भी हो, लेकिन इंशाल्लाह कभी, अभी न्यू एक्टर हुए तो मेरा है कि इंशाल्लाह करनी है। जो आने वाले नौजवान हैं इस फील्ड में एक्टिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शौक है, मैं नौजवानों को मिलता हूँ, हर बंदा, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक ना एक एक्टर लाजमी होता है, ठीक है, क्या मैसेज देंगी इस फील्ड के बारे में, या ज्वाइन करना हो किसने तो वो कैसे ज्वाइन करें? देखिए, मुझे तो इंडस्ट्रीज के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज था। अच्छा। सही है, शुरू में, और जैसे मैं आई तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे ये, मुझे कहाँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, क्या सीन है। सही है, तो जब मैं आई यहाँ पर तो मैंने, मुझे समझ में आया कि प्रोडक्शंस है, कराची में है, इस्लामाबाद में भी होगा, लाहौर में भी होगा, तो कराची में बहुत सारे प्रोडक्शन है, तो वहाँ जाए जो सबसे भी होती है। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोडक्शन कौन सा है? नहीं, एक्चुअली सिनेमेटो प्रोडक्शन में आई हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मैं इसके पीछे रीजन बताती हूँ, मैं कभी भी, मैंने मीडिया लाइफ में सेलेक्ट नहीं किया था कि मुझे जाना है, क्योंकि एक चीज़ सुनने को आता था कि मीडिया लाइफ अच्छी नहीं है, ऐसा होगा वैसा होगा, ओ कोई फिल्म मिलना आसान काम थोड़ी है, फिल्म मिलने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़े पेलने पड़ते हैं, ये वो। खैर, तो मैंने सोचा ही नहीं था, बस मैं अपने लाइफ में बिजी, एक नॉर्म, एक होता है ना मैंगो मैन, एक आम सी जिंदगी जीने की मैं आदी थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी थिंकिंग ऐसे ही थी, ऑब्वियसली जब मुझे चैलेंज मिले मैंने कहा ये बड़ा काम, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि चैलेंज में करना ना एक बड़ा ही होता है, तो सबके साथ काम करना, इवन सिनेमेटो प्रोडक्शन में एक एक बंदे ने लिटरली मेरी हेल्प की, और मेरे एक एक डायलॉग पे अगर मुझसे सही बुला नहीं जा रहा था तो उन्होंने कहा मैं ना इस तरह बोलो, ऐसे फील होता है, वैसे फील होता है, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये लोग मुझे, होता ना ये लोग टांग खींचते हैं ऐसे हो। हर बंदे ने, जितने भी कोई मेरे को एक्टर्स है, स्टूडेंट्स है, सब ने अपनी बेस्ट दिया, तो मेरे नज़र में सिनेमेटो प्रोडक्शन इज द बेस्ट। मरीना, ये कल आपकी मूवी जो रिलीज हुई है, इतना रश था, ठीक है, कैसा फील हो रहा था कि इतने लोग यार देखने के लिए आ रहे हैं, अपनी जरा फीलिंग्स बताइएगा। कल मैं जैसे मूवी देखने गई थी वहाँ पर, तो बहुत लोग थे, यू नो लाइक मैम मैम सेल्फी, मैम वीडियो, मैम सेल्फी, तो बड़ा यू नो अच्छा लग रहा था मुझे, बड़ा मज़ा आ रहा था वो देखकर, एक ऐसा लग रहा था कि मैं एक नेक्स्ट ही दुनिया में जा चुकी हूँ, अलग दुनिया में। तो पता ना कि जैसे स्टार लग जाता है एक चीज़ पे ना, कि आप एक आम से ना थोड़े थोड़े से लोग आपको मतलब वहाँ पर सभी सेल्फी ले रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और इवन जब मैं फिल्म देखने गई तो जैसे ही मतलब किसी को मारने लगे एक विलन को, तो लोग आवाज़ें आने लगे, लाइक ओ वाओ, लाइक बहुत ज़्यादा शोर शराबा, जो मैं, हम लोग खुद एज अ ऑडियंस देखते हैं, तो अब मैं वो चीज़ देख रही थी जो एक एज अ स्टार लोग देख रहे होते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, मेरा लाइफ के लिए कैसी बेस्ट, बड़ी फीलिंग्स आती है ना जब लोग सेल्फी लेते हैं, फिर बंदा और दिल करता है यार और हार्ड वर्क करें और स्टार बने, और जब बाहर निकलें तो लोग जब सेल्फीज लेते हैं आपके पास, वो पैसा वसूल वाली चीज होती है। ऐसा ही है बिल्कुल, मैंने आपसे जैसे कह रहा है कि बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल, एक अलग ही दुनिया, ऐसा लगता है कि जैसे कि बस मुझे यही रहना। आप जाहिर है आपने पूरी एक फिल्म की, ठीक है, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया आपके प्रोडक्शन में, फैमिली में भी, पहले तो प्रोडक्शन का बताइए। मुझे प्रोडक्शन में, जैसे मैंने कहा, मुझे सबने ही सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा अबू आलिया
मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया. सही है, क्योंकि अगर वो भी ना डायरेक्टर मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता. और मैंने सुना कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि यार इस लड़की को क्यों ले रहे हो, एक न्यू फेस को आप क्यों रख रहे हो, इस पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, नहीं कर पाएगी. तो मुझे भी एक था दिल में कि यार अगर मुझसे नहीं हुआ उनका ट्रस्ट मैं तोड़ दूंगी. तो थैंक यू सो मच क्योंकि उनका ट्रस्ट ने ही मुझे ये मौका दिया. उनके ट्रस्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ. और उनके अलावा सिनेमेटो प्रोडक्शन में ऑब्वियसली आर्यन सर और उसके अलावा कामरान सर, दे ट्रस्ट मी एज वेल. उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था ऑडिशन के लिए. तो सबका ही रोल है. और इसके अलावा मेरी जितनी भी टीम है, अयाज है, बिलावल है, उनके अलावा मुदस्सिर है, आयशा है और एवरीवन, मेरे साथ जितने भी यहाँ पर टीम था ना, मुझे सबका याद, नाम का याद नहीं है, अरबाज सर भी था. सही है. अच्छा. तो इन्होंने एक सपोर्टर की तरह, एक वेल विशर की तरह मेरे साथ थे. इवन जब डेट करीब आया तब भी, जब हम लोग शूट करने गए तब भी इवन शूट वाले दिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार थोड़ी मैं नर्वस हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा. लेकिन उन्होंने कहा, मेरे को एक्टर्स ने कहा, नहीं महीना हो जाएगा, चलो प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा आसान है, हो जाएगा. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत शुक्रिया. शेनो गई मूवी लाजमी देखिएगा. सिनेमा में कब तक लगी हुई है ये तो बताइएगा. ये 2nd-3rd December तक तो लगी हुई है, अभी तक मेरे सामने तो यही है. इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा, लगती रहेगी इंशाल्लाह. और लाजमी देखिएगा और अपने मेजबान दानिश शायर को इजाजत भी दीजिएगा. ऐसे मजीद इंटरव्यू देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेनो गई मूवी जरूर देखिएगा. ओके.